नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके सिचुएशन, एनर्जी क्या हैं, कहाँ फंस रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक्शन लेना चाहते हैं तो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, सब कुछ हम चेक करेंगे। छोटी रीडिंग हो सकती है ये, क्योंकि थोड़ी सी मैं बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए कोशिश करूँगी इसी में पूरा डिटेल्स आप लोगों को देने की। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुए इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ थे दो दिन। कल का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें कुछ डिस्कवर कर रही थी बस आप लोगों के लिए, और आप लोग अभी कहेंगे कि आप बहुत कुछ डिस्कवर करते हैं लेकिन आप शेयर नहीं करते। मैं शेयर करूँगी एक साथ, मैं शेयर करूँगी एक साथ, आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताना है और मैं हर बार ये बोलती हूँ और कर नहीं पाती हूँ, सो इसलिए मैं करूँगी, बताऊँगी नहीं अभी। लेकिन बहुत ऐसे डीप कुछ चीज़ें जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही थी, और मैं आप लोगों के लिए ही चाह रही थी कि मुझे गाइडेंस मिले। मुझे गाइडेंस मिली है बहुत कुछ, जो कि मैं हमेशा एक अलग से रीडिंग तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन रीडिंग के दौरान ही मैं बहुत कुछ ऐसा आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग समझे कि कहाँ फंस रहे हो आप लोग, या क्या ऑब्स्टेकल हैं, कैसे आप इनको रिमूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें है ना। सो यस, अच्छा एक और महान व्यक्ति थे, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। सोनू सिंह आई थिंक उनका नाम था। इन्होंने लिखा था कि ये रीडिंग पहले हम देख चुके हैं और आपने फिर से पोस्ट किया ये। मैं आज फास्ट है मेरा, आज मंडे का, और मैं सुबह मैसेज देखी। मुझे बड़ा हर्ट होता है जब ये सब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ और बहुत कर्मा बिलीवर हूँ मैं। ये सब काम मेरे दिमाग में भी नहीं आता, सोच में भी नहीं आता कभी। मैं कितनी भी बिज़ी होती हूँ तो मैं छोटी रीडिंग पोस्ट करती हूँ, बहुत बिज़ी होती हूँ तो नहीं करती हूँ रीडिंग पोस्ट। लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा वही वीडियो जो मैंने पहले पोस्ट किए हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वीडियो मैं पोस्ट कर देती हूँ मैं डिलीट कर देती हूँ, कहीं नहीं रहता है मेरा, कोई स्टोरेज नहीं है मेरा। जो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है उसको कहीं मैं स्टोर करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो काम का नहीं है मेरा। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने काम को लेकर और बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगा ऐसा कि मैंने पोस्ट किया है बिना आप किसी कोई आपके पास सबूत नहीं है इसका कि आप प्रूफ कर सके इसको, और मुझे बहुत जस्टिफाई नहीं करना है इसको, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मेरे जो अपने हैं उनको पता है कि मैं क्या हूँ, बहुत जस्टिफाई नहीं करना है। लेकिन यस, मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी इस बारे में कि जो आप बोल रहे हो ना कि आपने वही वीडियो पोस्ट किया है, मेरा सोच भी वहाँ तक नहीं जाता है जो आपने बोल दिया, ठीक है। एक तो मेरा मन बहुत ख़राब किया आपने, बहुत हर्ट हुई मैं ये सुन के। एक ऐसे इंसान जो कि हमेशा कमेंट करते थे, सोनू सिंह आई थिंक नाम है उनका, कर्मा आपने ख़राब किया अपना। तो फास्ट है मेरा आज, तो आप बिना भूखे तो ऐसे जाओगे नहीं आप, राइट। इसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन आपने ऐसा लगाया है जो कि मैं किया नहीं है मैंने। और एक बिना एक ईमानदार आदमी को कभी भी हर्ट करने से पहले उसके काम को लेके चार बार सोचना ज़रूर, ठीक है, एक बार दो बार नहीं। सो इस तरह के दिमाग में आपकी बात अगर आ रही है तो आप उसी नज़रिए से पूरी दुनिया को देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वही चीज़ है, इसलिए आपको दुनिया ऐसे दिख रही है। अपने नज़रिए को साफ़ कीजिए और अपने अंदर जो क्लीनिंग है ना उसको कीजिए पहले, तो आपको चीज़ें साफ दिखाई देंगी। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि मुझे जानते नहीं हैं, मुझे हर्ट कर दे रहे हैं, मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं एक बार, उसके बाद सेकेंड टाइम मुझे हर्ट कर दे रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कर्मा। इसलिए मैं आज ये बात बोल रही हूँ ताकि जो लोग इस तरह के कर्मा पे ध्यान नहीं देते हैं वो कर्मा पे ध्यान दें। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं कर्मा बिलीवर हूँ, मैं मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ जो मुझे भोग के ही जाना होगा, यहाँ से बिना भोगे मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। सो इसलिए मैं बचपन से ही कर्मा कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत कर्मा को मानती हूँ और मुझे पता है, मैंने देखा है अपनी आँखों से बहुत लोगों को, जो लोग गलत करते हैं उनको गलत भोगना पड़ता है। सो मैंने गलत किया नहीं, लेकिन अपने एलिगेशन ज़रूर लगाया मुझ पर। सो एक तो अपनी क्लिनजिंग कीजिए आप, अपने थॉट की, अपने नज़रिए की, अपने अंदर जो इनर वर्ल्ड है आपका, आप अंदर उसी चीज़ों से भरे हो इसलिए बाहर आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक चीज़, मैंने कल ये डेक यूज़ किया था जो कि मेरा नया डेक है, मुझे इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। और जो लोगों को ट्रस्ट है वो लोग देखें वीडियो, जिनको नहीं ट्रस्ट है वो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना।
मत कीजिए अपना टाइम वेस्ट ऐसे, जब आपको नहीं बिलीव है, आप वो चीज़ देख रहे हो जिसमें आपको बिलीव ही नहीं है, क्या फ़ायदा अपना टाइम वेस्ट करने का। कुछ ऐसा देखिए जहाँ आपको बिलीव है, जहाँ भरोसा हो आपको, वहाँ देखिए आप। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, मैं उनको आज ब्लॉक नहीं की हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉक करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लोग नहीं चाहिए जो कि अपनी एनर्जी से दूसरी की एनर्जी को ख़राब करते हैं, जो दूसरे को हर्ट करते हैं। सो किस तरह आप कैसे सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा? आप अच्छा करोगे नहीं, दोगे नहीं अच्छा। आप लगाओ कि कैक्टस का पौधा आपको चाहिए, वहाँ से गुलाब कैसे मिलेगा आपको? इसी को हम कहते हैं कर्मा। उनके एक सेंटेंस ने मुझे बहुत हर्ट किया, तो ऐसे वो दिन में कितने लोगों को हर्ट करते होंगे। और जब किसी को हम हर्ट करते हैं और जो दिल में दुख होता है ना, तो वो ब्लेसिंग्स नहीं निकलती उस टाइम पे, है ना। कोई कर्स नहीं अगर करेगा तो ब्लेसिंग्स भी नहीं निकलती उस टाइम पे। तो बहुत अपने कर्मा पे ध्यान दें, इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बाकी लोग हैं, आप लोगों से भी छोटी मोटी ऐसी गलती होती होंगी लाइफ में, किसी को हर्ट करना, किसी को कुछ बोल देना, उनके मन में क्या बीत रहा आपको नहीं पता है, लेकिन आप बोल देते हो और आपको लगता है कि आप बहुत सही हो। सो जो ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत कम है मेरे चैनल पे ऐसे लोग, और मैं रखती भी नहीं हूँ ऐसे लोगों को, मैं रिमूव कर देती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। कुछ लोग हों जिनको मैं गाइड करूँ, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही है, बस वही लोग जुड़े मुझसे। जिनको नहीं आ रही मेरी बात समझ में, वो ना जुड़े मुझसे, लेकिन इस तरह की बातें ना करें, ठीक है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे ईश्वर को पता है मैं क्या हूँ, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं क्या हूँ। मुझे सबको क्लेरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप में से कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के कमेंट्स करते हैं, संभल जाएं। बिना मतलब का किसी को हर्ट ना करें, बिना मतलब का एक और कर्मा क्रिएट मत करें। ऐसे ही पहले बहुत सारे कर्मा क्रिएट किए हैं आपने, तब जाके ये जो तकलीफें आप झेल रहे हो, राइट। सो इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसको और बढ़ाएं ना। समझ में आ रही है बातें मेरी? सोनू सिंह जी, आपको मैं रिमूव कर रही हूँ बहुत खुशी खुशी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसे एनर्जी वैम्पायर जो कि दूसरे की एनर्जी सक करते हैं। गाइडेंस आपको नहीं चाहिए मुझसे, बहुत खुशी की बात है। आप जहाँ आपको गाइडेंस मिल रही है, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए वीडियो, ओके। सो थैंक यू सो मच अभी तक मुझसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच जो मेरे बाकी के व्यूवर्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं मेरी बातों को समझने के लिए और मेरे गाइडेंस पे चलने के लिए। एंड सॉरी मैं स्टार्टिंग में ही सबका मूड ऑफ कर रही हूँ, बिकॉज ये ज़रूरी था। नहीं बोलती तो चीज़ें क्लियर नहीं होती, राइट। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एक्शंस, एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड डियर एंजल्स, स्टॉप मी। क्या हो गया? डेवल आ गया फिर से। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है, ओके, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो है मल्टी टास्क कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि इनका फाइनेंस जो है वो बढ़िया हो सके, इनकी लाइफ जो है थोड़ी और अच्छी हो सके, और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ रहे हैं, एक करेज लेके आ रहे हैं, और बहुत सारा टास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनको कुछ, या तो ये इंसान कहीं फंसे हैं जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने अंदर एक करेज लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी डेवलप हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी वो होती है जो कि लव, केयर, कंपैशन होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के लिए, दूसरों को नर्चर करने की एक आदत होती है। जैसे एक पौधा, एक बीज जो है वो सब लोग लगाते तो हैं, लेकिन उसको नर्चर करके, उसको बड़ा करना, उसको उसमें फल फूल खिलाना, वो मुश्किल होता है, है ना। सो फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? फेमिनाइन एनर्जी होती है नर्चरिंग, एक एनर्जी होती है जो कि आपके पार्टनर पे भी डेवलप हो रही है। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है वो एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस, एक करेज अपने अंदर लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी? थोड़े से सैड हैं, मायूस हैं, कॉन्शियसली ये इंसान जो है दुराहे पे खड़े हैं, इनको एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कंफ्यूज्ड हैं, यू नो ओवरऑल इनकी सिचुएशन यही है, क्योंकि दोनों एनर्जी ऐसे ही बोल रही है। कॉन्शियसली भी इंसान वैसे ही फील कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली भी ये इंसान जो है जगल कर रहे हैं, या तो फाइनेंस और आपके बीच, या तो आपके और किसी और के बीच, या तो आपके अपने फैमिली के बीच, या फिर अपने माइंड और अपने सोल के बीच, कुछ ना कुछ जगलिंग चल रहा है इनका, ठीक है। थोड़ा सा
एक मायूस वाली एनर्जी है, सैड वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उदास हैं और कुछ ना कुछ छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो अपना प्यार छुपा रहे हैं जो कि मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल में, सो या तो अपना प्यार छुपा रहे हैं इंसान, या फिर कुछ चीज़ ये आपसे हाइड कर रहे हैं। अब क्या है वो हाइड कर रहे हैं, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हाइड कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं तो अपना प्यार छुपा रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो कुछ और छुपा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ये छुपा रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, जगलिंग वाली एक एनर्जी है मुझे ये लग रहा है। आपसे इंसान पेशेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका पेशेंसली वेट करें, या फिर कुछ आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट हो, लाइक आपकी तरफ से एक हिंट चाहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप इनका प्रोफाइल विजिट करें, या फिर इनका स्टेटस चेक करें, या फिर इनको मिस कॉल दें, या फिर कोई मैसेज करें, कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ से ये चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब पहले आप इनको हो सकता है कि चेज करते थे या स्टॉक करते थे सोशल मीडिया पे, या इनका स्टेटस आप चेक करते थे, या कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी होती थी जो अभी नहीं हो रही है, ये इंसान चाहते हैं कि वो एक्टिविटी आप दोबारा से शुरू करें। इनको भी लग रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है एक डिवाइन लव इनको फील होता था, इनको लगता था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है स्ट्रॉन्ग जो कि आप दोनों के बीच है। इनको भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्यूजन था, भ्रम था, या इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इनके मन में प्यार था, आपके मन में नहीं था, क्योंकि ये एनर्जी जो है इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ये एनर्जी एक डिवाइन लव की एनर्जी है। द लवर्स की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जो कि एक्सट्रीम लव हम कह सकते हैं, जैसे कि कोई लाइफ पास्ट लाइफ पार्टनर, या फिर कोई यू नो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। सो अभी इनको लग रहा है ये ऑब्स्टिकल, ठीक है। आज की फीलिंग इनकी ऐसी है, द डेविल की एनर्जी है। ये इंसान जो है ना, ये अपने अंदर अंदर जूझ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि बहुत परेशान होते हैं लोग, जूझ रहे हैं। सो ये आपसे ओवर अटैच्ड हैं, ठीक है। अटैच्ड मतलब ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ये डेविल की एनर्जी एक्शन में, अगेन मैं यही कहूँगी कि कुछ आपका नुकसान कर सकते हैं इंसान, नुकसान इन द सेंस कि आपको हर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा मैसेज करेंगे जैसे कि आप हर्ट हो। सो एक डेविल वाली एनर्जी, अब कैसे बताऊँ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है आपको लेके, जो ये चाह के भी छूट नहीं रही है। ये चाह रहे हैं आपसे छूट के, ये चाह रहे हैं आपसे अलग होना तो नहीं हो पा रहे हैं, ये आपके बिना रहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो एक ऐसी एनर्जी है जब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के बीच है, लाइक अब इनको लग रहा है कि डिवाइन जो लव था जो फील कर रहे थे, ये आज इनको लग रहा है कि ये डिवाइन लव नहीं है, ये है कोई कुछ ऐसा आपने किया है ब्लैक मैजिक टाइप का, या फिर कोई स्पेल वर्क किया आपने इनके ऊपर, या कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसके चलते ये आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने इनको होल्ड करके रखा है किसी अलग तरीके से, इनको ऐसा लग रहा है। और क्योंकि ये एक्शन में कार्ड है, तो ये इंसान आपको पाने के लिए हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक करें, कोई स्पेल वर्क करें, या फिर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको हर्ट करें, या फिर ज़बरदस्ती का आप में हक जताएं, ऐसी की एनर्जी हो सकती है इनकी, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हैं इस टाइम पे तो बहुत सावधान रहें, इस टाइम अलर्ट रहें थोड़ा सा। इनकी एनर्जी आज की ठीक नहीं है, तो ये दो दिन और एनर्जी चलेगी ये, ठीक है। सो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें इनसे, जब मिले ना इस टाइम दो दिन, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का हक जताने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, अधिकार जताने की कोशिश करेंगे, और किसी न किसी तरह से आपको हर्ट कर सकते हैं, या फिर मैसेज अगर करेंगे आपको तो लड़ेंगे आपसे, या फिर बिना मतलब की एक लड़ाई हो सकती है, या फिर बिना मतलब की एलिगेशन आपको लगा सकते हैं इंसान। कुछ ना कुछ ऐसे डेविल वाली एनर्जी आप इनकी देखोगे, क्योंकि एक्शन में गार्ड है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो पलट के ये भी आपके ऊपर वही सब करेंगे, स्पेल वर्क करेंगे, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ ये कुछ करेंगे, ऐसा इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्शन में कार्ड है। ओके, ये थोड़ा सा उलझे थे ना, जो अभी इनकी कहीं ना कहीं उलझन खुल रही है। इनके अंदर प्यार ज़रूर है आपके लिए, ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैंने बोला ना जगल कर रहे हैं, तो जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। ये इंसान बहुत लोगों से इन्हें मुँह फेरा है, ठीक है, बहुत इनके जो रिश्ते हैं सब पीछे हैं और इनका ध्यान कहीं और है, ऐसी एनर्जी है। एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन जब भी अभी एक्शन लेंगे ना तो एक आर्ग्यूमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होगी आप दोनों के बीच, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान आपका वेट कर करके इनको आ रहा है गुस्सा कि आप बढ़ नहीं रहे हो आगे, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप आगे आ नहीं रहे हो, तो ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी, ओके। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं हम। डेविल की एनर्जी यहाँ पे है, डेविल की एनर्जी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ऑब्सेस्ड क्यों है इंसान, एडिक्टेड है आपसे ये इंसान, और इनको
इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना इतना ऑब्सेस्ड क्यों है आपसे। सो अगर आप कोई स्पेल वर्क या फिर आप कुछ कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें, सब तो नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली, किसी किसी की एनर्जी हो सकती है, किसी मतलब यू नो बहुत रेयर, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं स्पेल वर्क या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, मैंने बोला ना बहुत रेयर ऐसी किसी की एनर्जी होगी, सब तो नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली। सो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके पार्टनर जो हैं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा कि इतना इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपसे क्यों फील कर रहे हैं। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है ना, अटैचमेंट क्या होता है, लाइक आपसे उनको कुछ ना कुछ चाहिए, या तो फिज़िकल नीड हो सकता है, फिज़िकल इंटीमेसी हो सकता है, या फिर यू नो कुछ ना कुछ अधिकार जमाना आप पे, हक जताना, आपको तकलीफ़ देना, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है इनकी। ठीक है, समूह का इतनी स्पेस चलाएँ। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान जो है ना अलग तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पे, एक डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान, लेकिन इनसिक्योर हो रहे हैं, एक फियर वाली एनर्जी है, डर है इनको, क्या जिसका डर है नहीं पता, लेकिन एक डर है इनको जिसके चलते वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ डर इनके मन में। ओके, ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं होगा इनके ऊपर, या फिर इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे है जिसके चलते ये इनसिक्योर हो रहे हैं, एक फियर वाली एनर्जी इनके अंदर है। ठीक है, जिसके चलते ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं चाह के भी। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, इनको पता है कि आप बहुत हील हुए हो, आप बहुत चेंज हुए हो, आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपने इस रिश्ते से आपने कुछ ना कुछ एक लेसन जो है वो ले लिया आपने, अब इनकी बारी है। ठीक है, लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे जो है ऑब्स्टिकल में, अगेन देखिए ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको लग रहा है अगर इन्होंने आपका पास में ट्रस्ट तोड़ा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे आप वापस से इनके ऊपर, और ये एक डर है इनके अंदर जो कि यू नो इनको अंदर अंदर खाए जा रहा है। इन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन अगर लेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे आप दोनों के बीच, या फिर आप विश्वास ही नहीं करोगे इनके ऊपर, या फिर आप मौका दोगे ही नहीं क्योंकि विश्वास नहीं है आपको। और ये विश्वास किस तरह बनाएं आपकी नज़र में, फिर से वो रेस्पेक्ट, वो ट्रस्ट, वो कैसे बनाएं उनको नहीं पता है, इसलिए जगल कर रहे हैं। जगलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आना चाहते हैं और इनको डर है इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है इनको रोक रहा है। ओके, मैनिफेस्ट की एनर्जी है द डेविल की एनर्जी में, कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे लेकिन मैनिफेस्टेशन का आपका टेक्निक थोड़ा सा गलत हो सकता है। सो अगर आप इनके ऑब्सेशन के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करें तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये एक नेगेटिव एनर्जी है, ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे तो आपको दिक्कत होगी उससे। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते हैं ना अपने पार्टनर को ऑब्सेस्ड करने के लिए, कि वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाए मुझसे कि यू नो आपको अभी लग रहा है ये चीज़ें बहुत इजी लग रही हैं आपको जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस तरह का मैनिफेस्टेशन जब काम करता है तो आपके पार्टनर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनकी वो एनर्जी से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर आप चाहते हो कि वो दूर जाएं आपसे, तो इसमें उनका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। जब वो ऑब्सेस्ड होके आएंगे तो वो किस हद तक ऑब्सेस्ड होके आएंगे आपको नहीं पता है, और कितना नुकसान आपको करेंगे ये भी आपको नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। ठीक है, जब पहले लोग ये कहते हैं कि वो इंसान मेरे पीछे पागल हो जाए, जब सच में वो पागल हो जाता है, वो ऐसे पागलों वाली हरकत करने लगता है, तो जो मैनिफेस्ट कर रहा था ऐसे वो परेशान हो जाता है वो इंसान। सो मत कीजिए अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, और अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो आपकी एनर्जी जो है वो ऑब्सेस्ड हो रही है, ऑरा लॉक कीजिए अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो अपना, तो ऑरा लॉक कीजिए। अगर ऑरा लॉक करना आपको नहीं आता है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया है ऑरा लॉक कैसे होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब में आप ऑरा लॉक कैसे करते हैं ये सर्च कीजिए, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इसमें। सो ऑरा लॉक कीजिए ताकि ये सब मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाली, ये आपको इफेक्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड होंगे तो आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि आप फिर कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा, आप एकदम पागलों की तरह उनके पीछे बिहेव करोगे। ठीक है, चांसेस ये है कि एक्शन में एनर्जी है, तो ये इंसान आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है, कि आपका ऑब्सेशन बढ़े और आप एक्शन लो इनके टुवर्ड्स, क्योंकि ये चाह के भी आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फियर है, डर है इनके अंदर कि अगर आएंगे तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, और अगर ये आएंगे और आपने कहीं इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए, ताकि आप ऑब्सेस्ड होकर इनकी तरफ एक्शन ले। अगर ऑब्सेस्ड होकर आप एक्शन ले रहे हैं तो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखेंगे चीज़ें, है ना, आपको सिर्फ ये इंसान दिखेंगे।
तो ये जो तरीका है ना, ये गलत मुझे लगता है। चाहे ये कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, वो लव एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और वो एक उसमें एक डिविनिटी होनी चाहिए। भले वो स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो चाहे नहीं हो, आपके प्यार में एक डिविनिटी होनी चाहिए। जब वो चीज़ें खो जाती है ना, तो चीज़ें बहुत गलत होने लगती है। आप अगर कर रहे हैं मैनिफेस्ट अपने पार्टनर के लिए, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये इंसान ऑब्सेस्ड होकर मेरे पास आ जाएं और मुझे अचीव करना चाहें, लेकिन ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्सेस्ड होकर जब ये आएंगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे और इतनी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होगी ना, फिर आपको लगेगा ये इंसान जाएँ, उससे नहीं जाएंगे इंसान, ठीक है। तो ऑब्सेशन में क्या करेंगे, ये हक जताने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो ऐसा कर देंगे कि आपकी मैरिज कहीं नहीं होगी। सो वो कुछ भी किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, राइट। सो अगर इनको ऑब्सेस्ड करने के लिए अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्ट, प्लीज़ मत कीजिए। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कीजिए, और हाई वाइब्रेशनल चीज़ ही कीजिए अपने लाइफ में। या फिर आप मनुष्य का जन्म क्यों होता है, मनुष्य का जन्म होता है ताकि आप इम्प्रूव करो, हर दिन आप कुछ नया सीखो, है ना। ऐसी जो एक कला है ना, वो मनुष्य में ही है। मानव शरीर में आप इसलिए हो ताकि आप हर दिन इम्प्रूव करो। वही अगर नेगेटिव थॉट्स आपको रखने हैं, तो जानवर और एक इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सो आपको अगर इस तरह के थॉट आपके हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक्शन में एनर्जी है, ये स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ही है, लेकिन अगर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, तो रिलीज़ कीजिए इस एनर्जी को। इस तरह का मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। मैनिफेस्टेशन आपको करना है तो उनके कॉल मैसेज को आप कीजिए, लेकिन ऑब्सेस्ड एनर्जी में मत कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को जितना अंदर से आप प्योर करोगे ना, वैसी एनर्जी ही आपसे अट्रैक्ट होंगी, समझ रहे हो आप। जो चीज़ आपके अंदर होगी, वो चीज़ आपसे अट्रैक्ट होगी। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपके साथ वैसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे। आपका पूरा एटमॉस्फेयर है ना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वाले लोगों से ही आप मिलोगे, उनसे ही बात करोगे, उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। जितना आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, उस टाइप के लोगों को ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ, हीलिंग कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। अगर ये आप लोगों की एनर्जी नहीं है, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ हैं 1-2% जो कि इस एनर्जी में होंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है, तो अपना ऑरा लॉक कीजिए, ताकि अगर आपके पर्सन इस तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपको वो इफेक्ट ना करे वो एनर्जी। आप ऐसी हरकतें करोगे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, ठीक है। सो ऑरा लॉक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगी कि हर दिन सोने के पहले, उठने के बाद अपना ऑरा लॉक कीजिए। सोने के पहले इसलिए क्योंकि रात में भी आप प्रोटेक्टेड रहें, उठने के बाद इसलिए क्योंकि पूरा दिन आप प्रोटेक्टेड रहें। सो ऑरा लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हीलिंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो भी कीजिए अपना ऑरा लॉक। यू आर वर्दी ऑफ लव। ये इंसान अब सच में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका मुझे बहुत गलत लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तरीका नहीं होता है किसी इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेके आने का, ठीक है। सो अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हैं, और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, इससे आप अफेक्टेड ना हो, इसलिए अपना ऑरा लॉक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे, जब लोग चाहते हैं कि ऑब्सेस्ड होकर वो मेरे पास आए, पागल हो जाए मेरे पीछे, और जब सच में लोग पागल हो जाते हैं, तो आप खुद पागल हो जाओगे उनके पागल वाली एनर्जी से, ओके। इस तरह की एनर्जी सही नहीं है, उनके लिए भी नहीं सही है और आपके लिए भी नहीं सही है। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है कि करना नहीं चाहिए, जब तक आप पूरी तरह को नहीं लगता कि आप हील हो गए हो, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप आगे वाले इंसान को समझ पा रहे हो, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन सबसे लास्ट स्टेज होती है जब आप सेपरेशन में होते हैं, तो आप सेपरेट होते साथ ही मैनिफेस्ट करोगे, तो वो डेविल वाली एनर्जी में ही आएंगे, ओके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम डन प्लीज। Release your ex. The time has come to clear your energy. ये एनर्जी किसी के एक्स की एनर्जी हो सकती है, किसी ऐसे एक्स की जो कि ये एनर्जी आपके एक्स की हो सकती है। अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो, अगर आप बहुत दिन से सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं है, वैसे लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है। मतलब एकदम बातचीत बंद है आप लोगों की, करंट पार्टनर जिससे आप सेपरेट हो उससे नहीं, कोई एक्स की एनर्जी है जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकती है, जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ऑरा लॉक करें अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। एक्स किसको बोलते हैं, जिसके साथ हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है और हम किसी और के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो पिछला वाला जो होता है वो एक्स हो जाता है, राइट। सो ये कोई एक्स पार्टनर है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट करें जो कि आपके एक्स है, ऐसा हो सकता है।
फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। मुझे लग रहा है कि जो भी इंसान ये हैं इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ हैं और ये अपने फाइनेंस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, रिकंसिलेशन, जो लोग सेपरेट हैं उनका रिकंसिलेशन हो सकता है, पॉसिबल है। अनरिक्वायर्ड लव, अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ये किसी एक्स की एनर्जी लग रही है जो कि अभी आपके साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये आपके करंट पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये किसी ऐसी कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपसे बहुत महीनों से, सालों से डिस्कनेक्टेड है। ऐसी एनर्जी है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रही है। अपना ऑरा लॉक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो हमेशा की तरह कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैंने सारे कार्ड्स निकाल दिए, पीछे घूमी तो कैमरा ऑफ। ओके, सो अनरिक्वाइटेड लव, ये ऐसे इंसान हैं जो कि जिनसे बिल्कुल आपने अपनी एनर्जी कट ऑफ कर ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया उनके साथ। आप किसी और के साथ मूव ऑन भी कर गए होंगे लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स भी है, तो रोमांटिक फीलिंग मुझे लग रहा है कि इंसान इनको आपको लेके कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिसके चलते ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट फीलिंग्स या फिर परमानेंट एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ये एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है जो कि अभी उनको फील हो रहा है, कुछ दिन के बाद मे भी फील नहीं होगा, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे भी आपको डेट के लिए बोल सकते हैं इंसान, लेकिन ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल ना जाए डेट पे जिससे कि आप कट ऑफ कर चुके हैं बिल्कुल। अभी आप कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है उस इंसान से सालों से और आप किसी और के साथ अगर मूव ऑन कर गए हैं तो एज फ्रेंड भी इनके साथ आप ना जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो वेडिंग की एनर्जी भी यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ तीन एनर्जी मुझे दिख रही है, एक क्रश की एनर्जी दिख रही है मुझे, एक मुझे एक एक्स की एनर्जी दिख रही है और एक करंट पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। तो आप लोग जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसा ले, ठीक है, जिस तरह से आपसे रेजोनेट कर रही है उस तरह से ले। मुझे क्रश की एनर्जी भी दिख रही है क्योंकि ये इंसान जो है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जो कि इनको ट्रस्ट इश्यूज, लॉयल्टी इश्यूज ये सब रहे हैं और पास्ट की ही चीज़ें अभी भी इन्होंने होल्ड करके रखी है जिसके चलते ये आपके साथ उस तरह से बिहेव कर सकते हैं। करंट पार्टनर की भी मुझे एनर्जी दिख रही है और एक्स की भी एनर्जी दिख रही है जो कि बिल्कुल भी आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, बिल्कुल अलग है आपसे। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।